हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटी रॉयल चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सेंटी रॉयल। तो आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग लेके आया हूं। आज मेरी वीडियो का सब्जेक्ट है 3D मैप जनरेटर। ये बेसिकली एक एक्शन की फाइल है, एक ब्रश की फाइल मिलेगी और एक पैटर्न की फाइल मिलेगी। और आपको इस वीडियो के अंदर कुछ आपको क्लिप पार्ट्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपना 3D मैप जनरेट कर सकेंगे। 3D मैप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 3D मैप ये होता है, आप जैसे कि इस वक्त जो स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक 3D मैप हो गया। और एक जो नॉर्मल 2D मैप होता है आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये भी आपका 2D मैप हो गया। तो गाइस, 3D मैप कैसे जनरेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। और इस वीडियो के अंदर एक खास बात ये है, जो ये एक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सिर्फ 3D मैप जनरेट करने के लिए नहीं है। आप अपने किसी भी शेप को 3D के अंदर जनरेट कर सकते हैं सिंगल क्लिक के साथ। उसके बाद आप अपने इसके अंदर ग्रास वगैरह लगा के कुछ डेकोरेट जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप अपनी फाइल को 3D में जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक फाइल रखी हुई है, विंडार की फाइल। आपको यही फाइल डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास यही फाइल आएगी। तो इस फाइल का मैं आपको एक बार साइज चेक करा देता हूँ। ये बहुत ही छोटी सी फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.71 MB की फाइल है। जस्ट सिंगल क्लिक करते के साथ ही आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पे अगर आपके पास अर्चीव नॉट फाउंड या तो फिर डैमेज का एरर अगर आता है, तो उस सिचुएशन में आप अपने विंडार को अपडेट कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, जस्ट कुछ नहीं करना, आपको इस फाइल पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते के साथ ही आपके पास विंडार का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास विंडार का डैशबोर्ड खुल गया और यहाँ पे चार कुछ फाइलें हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब आपका विंडार का डैशबोर्ड खुल जाएगा तो एक्सट्रैक्ट टू दबाना है आपको। एक्सट्रैक्ट टू दबाने के बाद यहाँ पे आप अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट ओके कर रहा हूँ, मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। मैं अपने इस डैशबोर्ड को कर देता हूँ बंद। और यहाँ पे मेरे पास आ गया एक फोल्डर, इस फोल्डर को उठा के मैं अपनी इस फाइल के साथ रख देता हूँ। ये जो विंडार की फाइल है, ये वो फाइल है जो कि आप इसको डाउनलोड करोगे। अभी डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये वाली फाइल आ जाएगी आपके पास, ये फोल्डर वाली। मैं एक बार आपको फाइल के अंदर लेकर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको दे क्या रहा हूँ। तो इस फाइल को मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको चार चीज़ दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा थंबनेल कर लेता हूँ उसको, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल रहा है स्टाइल, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि स्टाइल क्या होता है। ये हम लोग टेक्स्ट का इफेक्ट होता है, ये जिसकी मदद से हम लोग अपने टेक्स्ट को इफेक्टेड करते हैं। उसके बाद आपको मिल रहा है एक एक्शन की फाइल और एक ये PHD फाइल। ये PHD फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको छोटे मोटे ग्रास वगैरह, पत्थर वगैरह, स्टोन वगैरह, जो भी चीज़ जो होता है वो चीज़ इसके अंदर मिलेगी। लास्ट में आपको मिल रहा है एक मेरी वेबसाइट का URL। जस्ट आपको उसको डबल क्लिक करना है, आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहाँ पे भी आप मेरे वीडियो वगैरह या तो फिर मेरे पोस्ट चेक कर सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे स्टूडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ मिलेगी। तो गाइस, आप जब इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे उसके बाद आपको चाहिए आपको फोटोशॉप। फोटोशॉप आपके पास कौन सा होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। फोटोशॉप CS4 से लेकर CC 2020 तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसके नीचे यूज़ करोगे तो डेफिनेटली ये एक्शन और ये जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वर्क नहीं करेगा। तो मैं फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो। फोटोशॉप CS4 से लेकर CC 2020 तक। तो सबसे पहले क्या करना है, फोटोशॉप आपको ओपन करना है। मैंने फोटोशॉप ओपन ऑलरेडी करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, एक्शन की फाइल को ड्रैग करके अपना एक्शन के पैनल में लोड करना है। ये सभी को पता है कैसे करना है, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है। तो ये एक्शन की फाइल है, मैं इसको ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ फोटोशॉप में। और यहाँ पर जो मेरा एक्शन का पैनल है, इस जगह पर मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ये मैंने छोड़ दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3D मैप जनरेटर यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको तीन टाइप के एक्शन मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट की तरफ से है, लेफ्ट की तरफ से है और उसके बाद फ्रंट की तरफ से है। तो यहाँ पे तीनों मैं आपको करके दिखा दूंगा, या तो फिर एक करके दिखाऊंगा, दो अब बाकी आप खुद ही कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ करके दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा इस वीडियो के अंदर और लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर आप सभी बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे आपने एक्शन लोड कर लिया। एक्शन लोड करने के बाद आपको स्टाइल लोड करना है। स्टाइल लोड करने के लिए क्या करना है, आपको फोटोशॉप में जाना है, एडिट के अंदर। एडिट के अंदर जाने के बाद आपको प्रीसेट दिखाई देगा। अगर आप फोटोशॉप CS4 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा प्रीसेट मैनेजर। अगर आप फोटोशॉप CS5 से ऊपर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो प्रीसेट दिखाई देगा, उसके अंदर जाना है आपको। यहाँ पे दिखाई देगा प्रीसेट मैनेजर, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आपके पास एक छोटा सा पैनल खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैनल पर यहाँ पे ऊपर ब्रश लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके स्टाइल कर देंगे। यहाँ पे मेरा स्टाइल आ गया। स्टाइल आने के बाद आपको यहाँ पे लोड दबाना है, ये छोटा सा लोड बटन है। लोड दबाने के बाद जहाँ पे भी आपने अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट करके रखा था आप अपने उस लोकेशन को ओपन करेंगे। मैंने डेस्कटॉप में रखा था, 3D मैप जनरेटर के नाम से था। और यहाँ पे मेरी फाइल दिखाई दे रही है मेरे को, इस पर मैंने क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लोड कर देता हूँ। ये मैंने लोड कर दिया तो मेरी फाइल यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो अपनी इमेज को यहाँ पर
नेक्स्ट करके या मतलब कि डाउन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन आई है मेरे पास, सॉरी चार फाइल आई है, ग्रे कलर की है, ग्रीन कलर की है और थोड़ी डार्क ग्रे करके आई है। तो आप इसको डन कर देंगे, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको डन। आपका काम हो गया जो भी आपको इंस्टॉल करना था, एक आपको एफएक्स इंस्टॉल करना था स्टाइल वाला और एक्शन इंस्टॉल करना था, ये भी हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, मैप ओपन करना है। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे जो PSD फाइल थी वो PSD फाइल आपको ओपन करनी है। ये जो PSD फाइल थी 3D मैप वाली आपको फोटोशॉप में लेके जाना है और इसको यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि आपको एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप इसको जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब आप इस PSD को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा मैसेज आ सकता है ओके या फिर अपडेट करने के लिए मांगेगा, तो आप इसको नो कर देंगे। उसको आप देखेंगे कि आपकी PSD यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको मैं लेयर पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे लेयर के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे माई शेप का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ग्रुप है एक, उसका यहाँ पे एक एसेसरीज करके ग्रुप दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो माई शेप है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से ओपन मैंने किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी फाइल आपकी यहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे चलते हैं एसेसरीज। एसेसरीज को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी आपको ग्रुप और मिल रहे हैं। पहला जो ये ग्रुप मिल रहा है आपको, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, डिसेबल है ये सारे के सारे ग्रुप मेरे, इसको मैं इनेबल कर रहा हूँ। आप मेरी शीट के ऊपर देखेंगे कि क्या चीज़ इनेबल हो रहा है। ये मैंने इनेबल किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स आ गई है, काफ़ी सारे सारे PSD फाइल है और अलग अलग PSD फाइल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेकेंड नंबर में जो है मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, मैंने ऑन किया तो यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वाले को मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बादल आ गया है, ठीक है, और ये क्लाउड्स वगैरह रेनिंग वगैरह है, सन वगैरह आ गया, लाइटिंग वगैरह आ गई है, ठीक है। तो इस वाली लेयर को भी मैं कर देता हूँ डिसेबल और तीसरी जो लेयर है इसको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नदी वगैरह टाइप का बनाया हुआ है, लाइंस वगैरह है और ये ट्री वगैरह बनाया हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ में लेंगे, कैसे यूज़ में लेना है मैं आपको सभी बताऊँगा। उसके बाद मैंने इसको डिसेबल कर दिया। नेक्स्ट जो था मेरा उसको मैंने ओपन किया तो नेक्स्ट ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पर टैग्स है। ऐसे टैग्स हम लोग को मैप में लगाने पड़ते हैं, तो मैप से रिलेटेड आपको सारी चीज़ इसके अंदर मिल रही है। तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसमें यूज़ करके दिखाऊंगा। मैंने सेकंड ऑन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन वाला जो झंडा होता है ये डाला हुआ है। उसके बाद एक लेयर और है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैप आ गया, वर्ल्ड का मैप, लेकिन ये ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रुप है। इस ग्रुप को मैं खोल देता हूँ। खोलने के बाद आपको यहाँ पे सारे ग्रुप मतलब जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं यानी कंट्रीज़ हैं उसका मैप मिल जाएगा। तो मान लेते हैं इसको हटाया था, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, डेफिनेटली हम लोग इंडिया पे काम करेंगे। मैंने इंडिया किया तो आप यहाँ पे मैप पे देखेंगे तो इंडिया आ गया मेरा। इंडिया को हटा रहा हूँ, UK करता हूँ तो ये UK का मैप आ गया, ये जर्मनी का मैप यहाँ पे आ गया, ये वर्ल्ड मैप है पूरा। तो मैं यहाँ पे इंडिया मैप कर रहा हूँ, ये मैंने इंडिया मैप कर लिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जो भी मैप आपको यूज़ करना है मैं आपको मैप यूज़ करना दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आपकी खुद की शेप के साथ काम करना बताऊँगा, ठीक है। तो ये इंडिया का जो मैप है, इस मैप को मैंने कंट्रोल सेलेक्ट करके रखा है, कंट्रोल प्लस J दबा दिया तो ये डबल हो गया, देख सकते हैं डबल हो गया, डबल हो गया है। अब आपने इस वाले मैप को आपको उठा के ड्रैग करना है नीचे की तरफ, जो लेयर आती है माय शेप की लेयर जो ये थी ग्रुप वाला, इस लेयर के अंदर आपको डाल देना है। ये डल गया, आप इस लेयर को खोल के देखेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका और यहाँ से वो हट गया था। तो इस वाली लेयर को मैं डिसेबल कर रहा हूँ, इसको मैंने डिसेबल कर दिया और क्लोज कर दिया, तो लेयर मेरी सारी बंद हो गई। ये माई मास्क की लेयर है, अभी इसके अंदर हम लोग का ये इंडिया वाली कॉपी आ गई यहाँ पर। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो आपका मैप हट जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैप लगा के रखना है आपको, ऑन कर रखना है आपको। अब आप पे चलना है एक्शन की तरफ, यहाँ पे जो एक्शन है एक्शन पे जाना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस लेयर का मतलब जो ये माई शेप है, आपको किसी भी शेप में अगर काम करना है आपको अपनी शेप इस वाले फोल्डर के अंदर डालनी है, माई शेप के फोल्डर के अंदर डाल के रखनी है, उसके बाद आपको एक्शन चलाना है। तो ये हम लोग की शेप डल चुकी है, अब हम लोग एक्शन चलाएंगे। ये राइट वाला चला रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं प्ले दबा रहा हूँ, ठीक है। यह मैं प्ले दबा दिया और आप देखें कि काम करना वो चालू हो गया है। देखते हैं कि कितना मिनट लेता है, मिनट तो नहीं लेगा, डेफिनेटली कुछ सेकंड में काम हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लेयर बनती जा रही है, आई होप कि ये बहुत अच्छा बने, रिजल्ट बहुत अच्छा आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काम हो चुका है, ये अभी हम लोग का 3D बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल 3D ये मैप बन चुका है। आप इसको अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके पास एक ग्रुप आ चुका है, इस ग्रुप को हम लोग करते हैं डिसेबल। डिसेबल करने के बाद यहाँ पे देखें आप, ये आपका मैप है। मैं अगर डिसेबल और इनेबल करता हूँ तो ये मैप आपका आ गया और नीचे जो आपका था शेप वाला आपकी लेयर खाली हो गई अब, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेप का था ये खाली हो चुका है, तो इसके अंदर आपका सारा आ गया अभी यहाँ पे। तो इसी लेयर पे क्लिक करके आप कंट्रोल T दबाएंगे तो छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल T दबाया, मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ये मैंने ऐसे छोटा बड़ा कर दिया, ये हो गया मेरा सेट। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये मेरा बिल्कुल 3D लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप अगर आप देखते हैं तो 3D लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। मैं अपनी इस फाइल को उठा के थोड़ा सा साइड रख लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मेरा कट रहा है,
इसको मैंने यहाँ पे रख दिया और एंटर मार दिया, ये मेरा सेट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जो क्लिप पार्ट्स वगैरह थे एसेसरीज में वो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, ये बिल्डिंग्स वगैरह थी, तो इसके अंदर से मैं कुछ भी लूँगा, लेने के बाद कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और कॉपी पेस्ट करके आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, जैसे कि टेंट वगैरह है, एक टेंट है, टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टेंट को मैं ले रहा हूँ। तो टेंट को मैं क्या करूँगा, इस वाले लेयर को, इस वाले ग्रुप को कंट्रोल जे कर देता हूँ। कंट्रोल जे करने से पूरा ग्रुप ही एक कॉपी हो जाता है। इसको मैं उठा के लेके जा रहा हूँ अपने इस वाले ग्रुप में, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। बाकी मैं सारे ग्रुप को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेंट मेरा यहाँ पे आ गया है। टेंट की लेयर मैंने अपनी इस लेयर के अंदर डाल दी थी। यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग का टेंट का लेयर था, इसको हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे और कंट्रोल टी दबाते हैं। आप देखेंगे कि टेंट आपका कंट्रोल टी से सेलेक्ट हो गया। अपने हिसाब से उठा के आप कहीं पर भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पर रख दिया। और लेकिन मुझे इसको ऊपर लेके जाना होगा लेयर को, ठीक है। तो मैंने अपने क्या किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लेयर को मैं बाहर निकालता हूँ सबसे पहले, तो ये मैंने बाहर निकाला और अपनी लेयर को, आपको ग्रुप में काम करना आना चाहिए सबसे पहले, तभी आप काम कर पाएंगे सब चीज़ का। ये मैंने ऊपर कर दिया और इसको मैंने इसके ऊपर कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी इमेज यहाँ पे आ गई। तो ये बन गया आपका 3D वाला, ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप शेप में कैसे काम करेंगे अपनी शेप में। तो यहाँ से जो भी था इसका, इस वाले को मैं हटा देता हूँ, यानी कि ये जो मेरा लेयर थी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया और जो मेरा ये टेंट था, टेंट को मैंने डिलीट कर दिया। तो आपके पास सेम टू सेम ऐसी लेयर आई थी, ठीक है, पहले भी और अभी भी। तो मैं अभी आप क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे अपनी शेप जनरेट करनी है। या तो मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ SENTY। मैंने सेंटी लिख दिया। मुझे थोड़ा मोटा फॉन्ट चाहिए, तो मेरे पास मोटा फॉन्ट नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड। ये मैंने बोल्ड कर दिया, इतना कर लिया मैंने। इतना करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करना तो सभी को आता ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाली जो लेयर है आपकी, ये अभी टेक्स्ट लेयर है आपकी, टेक्स्ट लेयर को राइट क्लिक करेंगे और रिसाइज कर देंगे। तो ये आपकी लेयर, आपकी एक शेप बन गई है। अब इस शेप को आप लोग इस वाली शेप के अंदर, यानी जो ये फोल्डर था, इसी फोल्डर के अंदर लेके जाएंगे। या मैंने अभी इसी के अंदर बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी के अंदर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये मैं इस बार लेफ्ट वाला क्लिक कर रहा हूँ एक्शन और प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इमेज की तरफ ध्यान से देखते रहेंगे। ये मैंने लेफ्ट वाला दबाया और प्ले कर दिया, अब ये सारा काम हो रहा है और ये 3D इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले लेफ्ट की तरफ से बना था, अब ये राइट की तरफ से, सॉरी पहले राइट की तरफ से बना था, अभी लेफ्ट की तरफ से ये बन चुका है। अब मैं कंट्रोल टी करके आपको दिखाता हूँ, इसको बड़ा कर देते हैं एक बारी। मुझे पहले लेयर को अपना बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर मेरी है, इस लेयर पे मैंने क्लिक किया, यही मेरी लेयर है। इसको कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद आपके पास जो कंट्रोल टी आएगा, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको बड़ा छोटा जो भी आपको करना है आप इसको बड़ा छोटा कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। ऐसे करके ये मैंने बड़ा कर लिया और यहाँ पर रख के एंटर मार दिया। एंटर मारते के साथ ही मेरा सब कुछ बिल्कुल सही ग्राफिक्स है ये मेरा। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी लगाना है ऊपर, तो वो लगा सकते हैं। जितना शेप मैं मोटा बनाऊंगा तो ये मोटा बनेगा। तो बेसिकली ये वीडियो जो था आपका 3D मैप जनरेट करने के लिए था, जो कि मैप वगैरह जनरेट करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अमेजिंग था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ भी आ गया हो काफ़ी सारी चीज़। लेयर का बस समझने वाली बात थी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो। थोड़ा सा कंजस्टेड था लेयर का, लेकिन डेफिनेटली आप लोग को समझ आ ही गया होगा। काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और जो भी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और जो मेरे पुराने यूज़र हैं, प्लीज़ आप भी एक बार चैनल पर विजिट करके चेक करें कि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन आप भी दबा लें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आपको मेरे व्हाट्सअप का ग्रुप और मेरा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का भी पेज मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं मेरे ग्रुप के साथ। और आपको मेरा सेकंड चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी क्लिक करें, उसमें वीडियो आप देखें। हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो वहाँ पे, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू रियली डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस।